हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास टेंथ मैथ का चैप्टर नंबर 9 की जो आपकी एक्सरसाइज है 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। इसके साथ साथ और भी चैप्टर्स की जो वीडियो वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। मैंने वो चैप्टर सबसे पहले सेलेक्ट किए जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन वो चैप्टर मैंने पिक किए जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बच्चों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सबसे पहले एक काम करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, ठीक है। बेल आइकन ऑन करने से क्या होगा, जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना, वो आपके पास ना सबसे पहले पहुंच जाएगा, जिससे जो भी है वीडियो आपका मिस नहीं होगा। और लाइक शेयर आप पे डिपेंड करता है, ओके। मेहनत आकर आपको हमारी पसंद है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ना पेपर पर यहाँ पर लिख रखे हैं प्यारे बच्चों, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी बुक को भी आप ओपन कर सकते हो। तो डायग्राम भी ड्रॉ कर रखे हैं, समझाएंगे कैसे आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है आपसे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ओके। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई एंड फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक बिल्डिंग है और एक आपका टावर है, ठीक है। बिल्डिंग अब मैंने ले लिया, ए बी आपकी क्या बिल्डिंग है और सी से डी आपका क्या टावर है, इतना आप लिख लेना वहाँ पे। ए बी क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, सी से डी आपका टावर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप, बिल्डिंग क्या हमारा ए बी, बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट पे, टावर अगर सी डी है तो टावर का फुट नीचे होगा, यानी कि सी, टावर के फुट से और इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। एंड सिमिलर इसका अपोजिट बोला गया, टावर का जो टॉप है, टावर का टॉप कहाँ पर होगा, डी पे, और बिल्डिंग का जो बॉटम यानी कि जो फुट होगा ए, तो टावर का टॉप और बिल्डिंग के फुट का 60 डिग्री है। तो ये आपसे बोला गया, ठीक है। और साथ साथ बोला गया जो टावर की जो हाइट है ना वो 50 मीटर है और आपको बताना है तो इस बिल्डिंग की जो हाइट है, जो मैंने एच यहाँ पर ले रखी है, वो कितना निकल के आएगा, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझते इतना समझ लेना, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बोला नहीं गया अपोजिट डायरेक्शन में टावर और बिल्डिंग। हम कैसे पता लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, टावर का टॉप ये है तो बिल्डिंग का फुट यहाँ पे आएगा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ऐसी बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री तभी बनेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी टॉप और बॉटम के एक दूसरे से एंगल बनेंगे, ठीक है। तो वन बाई वन दोनों ट्राइंगल से हम जाएंगे, फिर आपको ना आपके आंसर मिलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में, छोटे वाले में, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है ना। तो टेन लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, जहां परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है हम टेन लेते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करेंगे जिनकी डायमेंशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो डायमेंशन आपकी जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आएगी वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर का और बेस का, तो इसीलिए मैं 10 यहाँ पे लूँगा, आप कॉट भी ले सकते हो। तो हम 10 से ही सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 10 और आपका जो एंगल बन रहा है ट्राइंगल ए बी सी में कितना बन रहा है, 30 डिग्री का, 10 30 ले लिया। परपेंडिकुलर कितना, ए बी, और ए बी की जो वैल्यू हमने एच ले रखी है, परपेंडिकुलर यानी कि एच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना ए सी, ठीक है ना। और जो रूट अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 10 30 का, तो 10 30 का वैल्यू रख दिया एच अपॉन ए सी, ठीक है ना। आप यहाँ से ए सी का वैल्यू निकाल लीजिए, ए सी इक्वल्स टू आपका आएगा प्यारे बच्चों एच अंडर रूट थ्री। अब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब सिमिलर ना, अब इस वाले ट्राइंगल पे आएंगे, ट्राइंगल ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी में, तो अब जो आपका एंगल ट्राइंगल के बन रहा है वो कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, देखो 60 का, और जो परपेंडिकुलर है वो 50 दे रखा है। तो tan 60 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 50 अपॉन बेस आपका ना सेम है, दोनों के लिए जो बेस है वो ए सी है, इसके लिए बस हाइट चेंज हो गया, यहाँ पे 50 आ गया था और बेस हमारा कितना ए सी, और tan 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है अंडर रूट थ्री, ए सी अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू 50 आपका यहाँ पे आ जाएगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए सी यहाँ आएगा और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 मल्टीप्लाई, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए ना, अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू 50 अपॉन ए सी, ये आपका फॉर्म बनेगा। तो फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी √3 इजल टू 50। अब जो ए सी का वैल्यू यहाँ पे देखो हमने कितना लगा रहा था, एच अंडर रूट थ्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
एच अंडर रूट थ्री एच का वैल्यू रख दिया, और अंडर रूट थ्री आपका पहले से यहाँ पे है, इक्वल्स टू चल रहा है आपका 50। मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वन से हमने क्या किया, यहाँ से ए सी का वैल्यू एच अंडर रूट थ्री हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या है, सिंपल सी कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा कितना हो गया, 3h इक्वल्स टू 50, रूट थ्री थ्री होता है। अब हम यहाँ से इजीली ना h का वैल्यू हम बता सकते हैं, h इज इक्वल टू आ गया आपका 50/3। अब यही ना आपका फाइनल आंसर, आप चाहे इसको डेसिमल में लिखो चाहे आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, मिक्स आपकी बुक में ना मिक्स में दे रखा है, डिवाइड कर दीजिएगा तो वो आएगा 16/3 मीटर। तो जो इसकी जो हाइट है ना बिल्डिंग की प्यारे बच्चों, वो कितना आ गया, ए बी का लेंथ एच, जो एच है वो कितना आ गया 16/3 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। बोला गया क्वेश्चन में दो पोल हैं, एक ए बी पोल है मेरा और एक सी डी है, दोनों ही इक्वल हाइट का, यानी कि दोनों की जो हाइट है वो आपकी सेम है। तो मैंने हाइट इनका ले लिया एच और इसका भी एच, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड पे खड़े हुए रोड के, एक इस साइड है और एक इस साइड है, ठीक है ना। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे अपोजिट बोला नहीं गया था, वहां पे हमने लैंग्वेज को समझा था, तब हमने उन दोनों को अपोजिट रखा था, टॉप और बॉटम के जो एंगल थे उनको पढ़ने के बाद। अब यहाँ ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया है, दोनों ही जो पोल हैं सेम हाइट के हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे आपके रोड पे खड़े हुए हैं। अब चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है कि विच इज 80 मीटर वाइड, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि ए से सी तक इनके फुट का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, ठीक है ना। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब इनके बीच में कहीं भी एक पॉइंट है, वो मैंने पॉइंट ले लिया पी, इसी रोड पर एक पॉइंट है पी ले लिया। अब इस पॉइंट से क्या बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 और 30 रेस्पेक्टिवली। तो दोनों पोल के जो एंगल है ना इस पॉइंट से, वो दे रखे हैं 60 और 30, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, इसके एंगल 60 और इसका एंगल आपका 30, ठीक है। अब ये कंपलसरी नहीं है, हम कहीं भी 30 यहाँ भी लिख सकते हैं, 60 यहाँ भी, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला गया, अब बता दीजिए फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से इन दोनों पोल की जो भी डिस्टेंस है वो आपको बतानी है, साथ साथ इनका हाइट भी बताना, दोनों का हाइट कितना होगा। एक का हाइट निकाल लेंगे वही दोनों के लिए वर्क करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है तो सेम हाइट के दोनों ही पोल है, ठीक है। तो वन बाई वन अलग अलग हम ट्रायंगल्स में यहाँ पे जाएंगे, फिर आपको ना आपके आंसर मिलते चले जाएंगे। तो चलिए उससे पहले एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, अगर इन दोनों के मिडिल का जो हाइट, अगर सॉरी जो डिस्टेंस है वो आपका 80 मीटर है, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 80 मीटर है। अब मैंने क्या किया, ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने ले लिया एक्स, ठीक है ना। अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक का एक्स है पूरा मेरा 80 है, तो बचा हुआ कितना बचेगा 80 माइनस एक्स, ओके, अगर ये एक्स है तो 80 में से माइनस करके पी से सी का लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतना आपके यहाँ पे बन चुका, तो चलिए वन बाय वन दोनों ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं और आपकी जो भी यहाँ पे वैल्यू पूछे गए वो निकल आएंगे। सबसे पहले जाएंगे इन ट्राइंगल ए पी वी में, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही आपको एग्जाम में करना है, इन ट्राइंगल ए पी वी, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है तो टेन वाला ही हमारा रेशियो जाएगा, टेन 60 डिग्री, एंगल क्या है 10 60, परपेंडिकुलर ए बी, ए बी की जो हाइट है वो कितनी है एच, यहाँ लिखेंगे 10 60 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। 10 60 का जो वैल्यू होता है पैरे बच्चों वो होता है अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से जो एक्स का जो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, जो वो एच निकलेगा यहाँ पे, एच इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट थ्री, क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक्स इसके साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और एच का जो वैल्यू आएगा एक्स अंडर रूट थ्री आएगा। इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको यहीं रोक देंगे। अब सेकंड ट्रायंगल में जाएंगे, सेकंड ट्रायंगल क्या है इन ट्रायंगल सी पी डी में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल सी पी डी, सेम वही रेशियो चलेगा टेन का, बिकॉज यहाँ पर भी ना परपेंडिकुलर की सॉरी अब जो यहाँ पे एंगल है वो हमारा 30 है, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, हाइट कितना है इसके लिए एच, और यहाँ पे जो अब जो हमारा बेस है पी से सी इसके लिए वो कितना लेंथ बन रहा है 80 माइनस एक्स। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 80 माइनस का एक्स,
और टेन थर्टी का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों वो होता है आपका 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन 80 माइनस का एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच √3। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट पे आप नजर डालिए, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, जो एच का वैल्यू वहां से मिला था, हमें मिला था एच इज इक्वल टू एक्स √3। अब हम यहाँ पे ना रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स, ये तो सेम रहेगा। अब एच का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, एच का जो वैल्यू वो हमारा है एक्स √3, और ये √3 ना पहले से यहाँ था, √3 हो गया। अब ये हो गया 80 माइनस का एक्स इज इक्वल टू 3x, √3 आपका कितना होता है 3, तो ये हो गया हमारा 3x। अब ना इजीली हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई अब हम यहाँ से कर सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा ये 80 इक्वल्स टू 3x। अब ये x इधर आके ना प्लस का हो गया, तो नाउ वी विल गेट 80 इक्वल्स टू 4x। तो सिंपली वी कैन से यहाँ से जो x का वैल्यू है ना वो 20 आएगा, 4 से कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 20। अब जिस मेजरमेंट में दे रखा है वो मेजरमेंट आप यहाँ पे डाल दीजिए, यानी कि x का जो वैल्यू है वो आपका आ गया 20 मीटर। तो x 20 आ गया, हाइट आपसे पूछा गया था ना, हाइट कितना आएगा, चल लिया इक्वेशन फर्स्ट पे हम चलते हैं, h इज इक्वल टू x अंडर रूट 3 था और x आपने निकाल लिया 20, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये हमारे यहाँ से ना हाइट निकल आया। अब आपसे डिस्टेंस पूछा गया था, एक डिस्टेंस हमारा 20 आ गया, डायग्राम पे चलिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 20। अब बाकी इस पॉइंट से जो टावर की डिस्टेंस है पी से सी कितना आएगा, इसको भी यहाँ निकाल देते हैं, जो पी से सी की जो लेंथ है वो कितना 80 माइनस का एक्स, और एक्स आपका निकल के आया है 20। सो नाउ रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो आपकी 60 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 60 और यहाँ से पी से ए तक का डिस्टेंस वो 20 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आज की इस वीडियो में, हमने देखे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आज हमने कवर किए, एंड आई होप आपको यहाँ ना सब कुछ समझ आ गया होगा। देखिए अगर छोटा भी कोई लिटरली डाउट रह गया तो प्लीज़ यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन आप, ओके और इसके बाद भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। बस इंपॉर्टेंट बात की आप समझने की कोशिश करिएगा, आपके ना सारे डाउट ना क्लियर होते चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक।